मैं कहीं भी रहूं चाय नहीं मिलेगी। भैंस दूध की जगह गालियां दे रही है। अरे वैसे भी चाय किसने पीना है? इधर आ मोया, इधर आ। ये ले चिट्ठी पढ़। ये तो खाली है, कुछ भी नहीं लिखा इसमें। मुझे लिखना कहाँ आता है? मेरी जुबानी सुन। तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहता है तो मेरे पैसे लौटा दे और अपना लौंडा ले जा, तुम्हारी प्यारी नानी। नानी 10,000 के लिए तुमने मेरा बेटा किडनैप कर लिया? और नानी मुझे दुबई तो जाने दो। क्या लोग 9,000 करोड़ लेकर देश छोड़कर भाग रहे, तू सिर्फ 10,000 रुपए के लिए छोड़कर जाएगा? 9,000 करोड़, 1-1 रुपए की मतलब 9,000 करोड़ सिक्के, मतलब ये तो चिल्लर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस चिल्लर की सोचा कर। अरे 1,000-1,000 का नोट भी तो हो सकता है। 1,000 का नोट आ गया? तो नानी मुझे दुबई जाने दे, देख मैंने तेरे नाम पे बुर्ज खलीफा कर देना है। भले सिंगल हूँ लेकिन बुजुर्ग खलीफा किस काम का? नानी बुजुर्ग खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। 163 माले की बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। कितने भी माले हो मुझे क्या, पहले माले के बाद तो मुझे दिखाई नहीं देता। नानी देखो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चीज गिफ्ट करनी है तो तुम्हारी नजर भी तो तीखी कराऊंगा ना मैं। मैंने दुबई का वीजा अप्लाई कर दिया है, कभी भी मिल सकता है वो। हाँ अभी हेलो ऊंट, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर रहना। हेलो ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है। चलो शुक्र है आपने आपको आपने डस्टबिन तो माना के नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। ए, तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। जी जी कैसी बात करती, हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती उसके बाद फेंक देती। अच्छा? तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती उसके बाद धोती नहीं उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती, एक बार हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़े पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गांव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है, तुम मैं किसको अंदर मन करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई, आपको शर्म नहीं आती? बम्पर तुझे शर्म नहीं आती, खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई? सरू चोर के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी, आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अबे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो। तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़ एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है जा दुबई,
लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो व्हाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है, अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात हट। शेक अंकल, आपके पास तो ऊंट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुआ ले जाकर मुझे ऊंट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊंट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊंट नीच हो जाए तो। वैसे अभी काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है। वो क्या करते हैं, वो बेली डांस? अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा? ए, चुप 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 कर। आपको वो भी नहीं आता? थू, इतने निकम्मे पापा हो आप, उसको नहीं ले जाओ। आता आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता है मुझे। पहले डांस आता है? पहले डांस आता है तो करके दिखाओ फिर। हाँ हाँ, देख लेते हैं कौन अच्छा करता है। शुरू हो जाओ। हाँ जी, म्यूजिक बजा भी। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती? हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। कैसा होती? हमारे ऐसा होती ना 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 रे हमारे इधर ऐसा डांस होती। एक साहब, आपका दुबई दुबई में पड़ता है ना? हमारा दुबई दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने, मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने, बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए, आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जो तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में आएगा। क्यों बच्चे? ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा, ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ, चलो इधर जाओ बाहर, चलो 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 बाहर निकल जाओ। देखो हाँ जी, हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती, हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी। वैसे शेख साहब एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? मैं भी सोचू मेरे ऊंट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। ए, तुम दुबई, तुम जा सकते हो दुबई। हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। साफ साफ कह दो कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। देखो हाँ जी, तुमने दुबई में, हाँ जी शेख साहब, वीजा के लिए इंटरव्यू भेजी थी? हाँ जी भेजी थी। शेख साहब आपको कैसे पता चल गया? वो हमारा एम्बेसडर बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? और तुम्हारा इतना गंदा फोटो, उसने जूता मारा मुंह पे, अभी उसको क्या है, उसको पूरा फोटो मांगता है। पूरा फोटो क्यों मांग रहे हैं आप? वो पूरा फोटो मांगता है, उसको तुम्हारे इधर पे डंडा मारने का है, वो आधा फोटो पे मार नहीं सकता है। देखो एक बार बताओ, हाँ जी, कितने दिन का वीजा चाहिए तुम्हें? मेरे को चाहे 10 मिनट के दे दो आप। दस
मिनट में दुबई कौन पहुंचता है वे? तो कोई बात नहीं शेख साहब, आप आधे घंटे का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? आधे घंटे का ही दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं दुबई में जाके बताऊंगा। शेख साहब मजाक छोड़ो आप। तुम छोड़ के बताओ, तुम्हें बाहर नहीं निकाल देंगे? आधे घंटे का वीजा। शेख साहब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। शेख साहब आप जो भी बोलेंगे। देखो उधर बहुत बहुत जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा सारे। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा। कैसे हमारा दुबई में रेत खुश करके दूसरी जगह चला जाता है। हाँ। तुम्हें सुबह जाके सारा रेत वापस लेके आना है। तो मैं ले आऊंगा। कैसे लेके आएगा? खुश करके। ये कैसे ले गया? जैसे आपने भेजा वैसे मैंने ले आया। लेकिन एक और चक्कर है। हाँ जी। अपना वाला रेत पहचान के लाना है, दूसरे का लाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। शेख साहब आप मुझे सचमुच में दुबई लेकर जाना चाहते हैं या गाउन पाकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? देखो हाँ जी, क्या होता है कभी कभी हमारे ऊंट का मूड खराब हो जाता है। हाँ जी। तो इसको चुटकुला सुनाना पड़ता है। तुम इसको जोक सुना के हंसा सकते हैं? मैं सुना दूंगा जोक। सुनाओ फिर। ओके। सुना दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। ऊंट को समझ आ गया है ना? देखो हाँ जी, तुम दुबई जाना क्यों चाहते हो? मैं एक्चुअली ना शेख साहब दुबई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो आपके पास इतना पैसा है फिर भी ऊंट आपके नंगे घूम रहे हैं। मैं लेनिन के कुर्ते पजामे सिलवाना चाहता हूँ इनके लिए। देखो वो ऊंट है हमारे पिताजी नहीं है जिसको आप कुर्ता पजामा सुनाएंगे। हट बेवकूफ। दूसरा सवाल भी बेवकूफों वाला जवाब। शेख साहब देखो हाँ जी, तुम बहुत ऊंट ऊंट कर रहे हो ऊंटनी के। एक साथ एक बात बताओ हाँ जी, तुम ऐसे तेज तेज बोल सकते हो? ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची। शेख साहब आपसे खुद तो बोला नहीं आ रहा, इसलिए तो तुमसे बुलवा रहा है। बोलो। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, आप बताओ। वाह वाह बहुत अच्छा बोला, तुम्हें नहीं ले जाएंगे भाई। शेख साहब बात तो मैंने बोल भी दिया, आप क्यों नहीं लेकर जाना? आप चाहते क्या है? रिश्वत। लेकिन वो तो दुबई में चलती नहीं है, इसीलिए तो इधर आके मांग रहा हूँ रिश्वत। देखो 20,000 रुपए दोगे तभी दुबई जाओगे। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए ऊंची बोला, ये भी लिखूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो शेख साहब, मैं दुबई जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 20,000 रुपए चाहिए ना आपको? 20,000 रुपया, एक रुपया कम नहीं। ये लो। ये क्या? मजाक किया था शेख साहब, ये लो 20,000 रुपए। 20,000 रुपया। वाह चंदू वाह। शेख साहब आपको इनके रिदम का कैसे पता है? बंदे की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे पकड़ लेता है। चंदू जी 20,000 रुपए है तेरे पास और मेरा उधारी नहीं चुका रहा तू? रुक अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाएगा दुबई। चंदू तुम्हारे पास 20,000 रुपए है तो निकालो, मेरे 4,000 रुपए निकालो। मारे 4,000 अब कहाँ से आ गए हैं? अरे मैं घंटों तुम्हें घूरती रहती हूँ, मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखती रहती हूँ, मेरे 4,000 भी नहीं बनते। निकालो वरना। रुको रुको रुको। क्या? इंजेक्शन। अब कौन है? पापा। आपके पास 20,000 रुपए थे, फिर मेरे गुल्लक में से 12 रुपए निकाल लिए। निकालो निकालो 2,000 रुपए निकालो। ये कौन सी बात है? निकाले 12 है, निकालो मेरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ से है? यहाँ हजारों की बात हो रही है, मैं 12 क्यों बोलूं? एक मिनट, हमारे कितने हैं? 2,000। ए बुढ़िन तुम्हारे कितने? 10,000। 10,000, 2,000, 12,000, तुम्हारे कितने? 4। एक शेख साहब तो दुबई जाना, जाना जाना दुबई। दो मिनट रुको शेख साहब, एक मिनट, तुम्हारे कितने? 4। ओए मैं थप्पड़ मार देना मुंह पे कभी शेख साहब, होटो पे थप्पड़ खाया कभी होटो पे? ऐसे लिप लिप थप्पड़ मारूं? चुप रहो। तुम्हारा 4,000। 4 हो गया तुम्हारा। ए छोड़ इसको, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं, छोड़। तुम्हारा कितना हो गया? 2,000। तुम्हारा हो गया 2। मेरा भी तो दे दे। तुम्हारा कितना हो गया बुढ़न? 10। शेख साहब मेरे पैसे हैं ये। ये हो गया 10 तुम्हारा। देखो तुम्हारे पैसे भी तो वैसे भी डूबे थे तो मैंने ले लिए, इट्स ओके, बाकी बचे जो वो तो मेरे हैं ही। शेख साहब ए तुम्हें दुबई जाना नहीं जाना? मैंने जाना दुबई। तो जाओ फिर, कौन रोक रहा है अभी? अरे छोड़ इसको, ए छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़। एक मिनट शेख साहब इधर आओ जरा, ऊपर से आप शेख हैं नीचे से फौजी बने हुए हैं, आप कहीं कप्पू तो नहीं है? कप्पू? ए और मेरे पैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने पहचान लिया, तो मैं पहचान लिया था, गिव मी 5 मेरे पास। पाजी हाँ, पैसे ले गए मेरे, कोई बात नहीं,
देख लूंगा इन सबको मैं। आज मैं छुट्टी पे हूँ, वीजे का काम करवाने जाना है, लेकिन इनको मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। जा रहा हूँ आज मैं, आज मैं छुट्टी पे हूँ पाजी, छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। थैंक यू पाजी। आज तो तू बड़ा फौजी बना हुआ है, मन मौजी बना हुआ है, क्या बात है। मेरा आज दिल भी कर रहा है मैं जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जाऊं। पाजी आपको पता है आज जो हमारे शो में आ रही हैं वो विश्व की सबसे सुंदर महिला है। क्या बात है। मैं अगर उनकी तारीफ करने पे आऊं तो यू नो माई नेचर वेरी वेल। हाँ मैं पूरा वीकेंड कर सकता हूँ, पूरा हफ्ता तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये करता रहूंगा तो हम उनसे बातें कब करेंगे। मैं सागर को गागर में डाल दूंगा। आज इतनी रात को इतना चार्ज मैं आपको बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन। छक्की देने में जो जल्दी हुई मैं देता नहीं, मेरी निकल जाती है। ये तो अब अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं। तो 9 साल पहले तो मेरे को जितना करंट था ना 9 साल पहले, अगर आप आती तो आपको और रूप देखने को मिलता मेरा। एनीवेज नहीं ऐश्वर्या, मैं इनको अब सागर को गागर में डाल के दिखाता हूँ। आई नो आप डालेंगे आज सागर को गागर में। आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हूरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया होगा। मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलगाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा ना कभी आया होगा। क्यों करके सही जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो ऐश्वर्या हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारा अभी नया नया शो शुरू हुआ है और आपके दर्शन हो गए, नहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाजी ऐश्वर्या। आपने स्वागत किया, you all have invited me to the show, the pleasure is mine, thank pleasure you so much. Pleasure is all our. अच्छा कैसी पाजी दुविधा ना, हम ऐश्वर्या को ये भी नहीं पूछ सकते कि आपके लिए चाय मंगाऊं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की चाय कहाँ पीती होंगी। सीरियसली कुछ चीजें होती जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करती, जैसे आपकी प्लेट में भरता होती नो तो आपकी थाली में कभी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगेगा, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, टेढ़ा मेढ़ा करेला और भरते मटर डाले हुए, दैट डजंट सूट टू ऐश्वर्या। पर आप अगर चाहें तो आपके लिए काजू बादाम हम लोग अरेंज करा सकते हैं, इस बार सोनी बहुत खर्चा कर रहा है। You're back in how, huh, Kapil? Full form. Full form. आप सबको पता है ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है सरबजीत, आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा। इस फिल्म में ऐश्वर्या की जर्नी दिखाई गई है, पहले यंग बताई गई है, उसके बाद ये 50-55 साल की महिला का किरदार भी निभाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनको देखा ट्रेलर में, मैंने देखा यार ये 50-55 साल का जब किरदार निभा रही हैं तब भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं। अभिषेक भाई तो बड़ा खुश होंगे वो देख के कि मेरा फ्यूचर आगे चल के भी सुंदर ही है। उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा? तो वी हैड वर्क टुगेदर इन गुरु, उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि व्हाट द जर्नी अहेड विल बी एंड ही प्रपोज्ड टू मी आफ्टर दैट। सो आई गेस बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी खूबसूरत लगेंगे और ज्यादा लगेंगे, कमाल है। अच्छा जब ये आप पहले से सरबजीत की स्टोरी को फॉलो कर रही थी या आपने बाद में इस केस के बारे में पढ़ा, या आप जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तब आपको पता चला? इट्स वेरी वेरी टचिंग टू नो दिस स्टोरी एंड वी फेल्ट इट शुड बी टोल्ड, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी दैट वी फील द ऑडियंस नीड्स टू नो एंड रियलाइज। ऐश्वर्या से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, ऐश्वर्या आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जी भाई साहब किसका मैसेज आया?
आज जरूरी है कोई? पहला आदमी मैंने देखा सामने ऐश्वर्या बैठी है तो मैं लगे हुए। अच्छा पाजी, आप ऐश्वर्या को गौर से देखो, वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं। यार बिल मेरे पे फड़ जा रहा है यार। पर वैसे एक सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता है धूप में दो मिनट बैठे तो पिघल जाएंगे ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया, मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना, तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते मुंह पे। सीरियसली सब औरतों के मुंह जैबरा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता। गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती, इतना कच्चा लाइट कदों आएगी। फिर अपनी बनियान उठा के ना, बड़ा सा पेट जो कुलचे खा के निकला है उस पे हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए, पता नहीं यार कब आने लाइट। तो ये एनीवे स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल जाने लायक है नहीं। अच्छा नमस्ते। ये हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई। अबे ओए तेरी मम्मी कहाँ से होगी, ये ऐश्वर्या आए हैं। ये तुझको दिखाता हूँ, देखो ये मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए, ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जस साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रोगों में जो गुण दौड़ रहे, क्या वो भी झूठा है? कौन से गुण दौड़ रहे बे? खट्टा नहीं मिला हो तू। एक मिनट, ये पता चल गया मुझे, ये देखो पाजी ये फोटो चिपकाई हुई है, ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ इस बाप के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता था पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है। अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोलते हैं? ये सही है। बचपन से आपको अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं तो कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? संभाल के, सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। मम्मी जी थैंक यू। सिक्योरिटी, वो कोई नहीं आया अभी तक। अशरे हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में, जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या जवाब? स्कूल में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया गुलाब सिंह ने, किया होगा? नहीं ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है, शरारती होते नहीं बच्चे। नहीं उसे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं नहीं, हमारे जैसे सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के, जैसे ये दिनेश है ना अपना, हाँ
ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी, डेस्क के नीचे चिपका जाता था, फिर वापस आया सुबह वही खाता था, तीन तीन महीने एक चिंगम। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती, जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं। हाँ तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ, वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे, मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ। सेम? कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाए? ऐसा नहीं होता। ऐसा करते हैं हम? तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ हाँ, गिन के देती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से, मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी है। ऐश्वर्या को देख के कभी लगता नहीं किसी से झगड़ा करती होंगी, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस। लेकिन माँ बाप भाई बहन सारे रिलेशनशिप अलग, मियाँ बीवी अलग, अभिषेक भाई से कभी कहा सुनी होती है? हाँ होती है। तो पहले सॉरी कौन बोलता है? ये कौन सी पूछने वाली बात है, वही बोलते होंगे, इसमें क्या पूछने वाली बात है, चक्कर ही नहीं। हम ही बोलते हैं जी, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। आप ही बोल देते हैं? हाँ हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी एनिवर्सरी थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे? नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए। अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यही थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव्स चले जाते हैं। हाँ। हमारे एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा ज्यादा मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते, चिक्की खा के वापिस आ जाते। जी हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा, हाँ, तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना। अच्छा, जो ऐसे बड़े बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन हैं, बड़े परिवार से हैं, तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। डार्लिंग, आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या क्या क्या? मारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा। क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। अब वक्त है आप को उनसे मिलवाने का जिन्होंने फिल्म सरबजीत में सरबजीत का किरदार निभाया, बहुत ही टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रणदीप हुड्डा का। वेलकम बाजी। कैसे हैं आप? रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, बाग कमाल ट्रेलर लग रहा है। Thank और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू। सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार, कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो बहुत की, उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी जी, अपने फादर को लिखी थी, तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा। बहुत रोमांटिक आदमी थे, चिट्ठियों से बहुत होती, आजकल तो चिट्ठियां होती नहीं खैर जी जी, चिट्ठियों से काफी कुछ पता चला। पर आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था, बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी होगी और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे, तो
फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे भाई, कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरे घर था, ये नहीं था। जी जी। तो वहाँ पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ मुझे लग रहा है, काफी अरेंजमेंट लग रहा है, ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा। मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरा मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी क्या मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज़ का ज़्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस करेक्टर में पूरा घुसे, ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाखी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनके इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था पर फाइनली मैनेज कर लिया। मैंने कर लिया मैंने। हाँ मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। Myself famous डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरा बीपी हाई हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो, लो हो जाएगा वापस। तो देखो बैठे जी आप, ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है लो। अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप। क्या हाल है? क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो हमारे देश खम्मा गड़ी हैप्पी। भाई साहब वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो? मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से 2-4 किलोमीटर इधर नहीं आ सकते। इतनी बड़ी बात हो गई है डॉक्टर साहब। आइए आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है? कोई डॉक्टर देखा? फिलोसफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें, टेस्ट करें। कैसा है? मीठा है। मीठा है, चलो शुगर टेस्ट हो गया। है पागल डॉक्टर है भाई? पागल कैसे? पागल डॉक्टर है, ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं पिद्दू साहब, 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं, तो शुगर है। टेस्ट होगी। चलो जी मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट रिश्ता पक्का। रिश्ता? हाँ जी। कौन सा रिश्ता? रिश्ता मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे है, पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। अरे वाओ रणदीप हुड्डा, हाय मैं सरला, अभी अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके, 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हूँ, बड़ी फैन है तू। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार दिया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो आप इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूँ। डैडी ऐश्वर्या जी आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है?
आप पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ जी, देखिए ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो फिर, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है वो, की शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए, ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा, कितनी कहाँ किस हद तक प्रैक्टिस करो? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी आइए जी, आप रिश्ता लेंगे? अच्छा चलिए, मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा रहे। मेरे साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो? तो बेल बजा, टिंग टोंग टिंग टोंग। आए टिंग टोंग नहीं, जी घंटी नहीं लगी। ए घंटी साड़ो गए आप, इतनी ज्यादा बजा रहे हैं। हाँ घंटी, दरवाजा खुल गया, घंटियों क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले। आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी, या सल्ला गुलाटी, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना वो आज के लौंडे लबाड़ों से भी आ गया। आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते। मुझे लड़की पसंद है। ओके वेरी नाइस, पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी आई, डैडी मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है, कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एज, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। लेकिन थैंक यू की क्या बात है, आप तो हमारे अपने हैं। हैं? हाँ अपने है तो डैडी, डैडी चलो अपने, डैडी चलो अपने, डैडी अपने, अपने भाई भाई भाई, डैडी बेटे मेरे को अपने का। हाँ डैडी, रणदीप ऐश्वर्या आपने काफी समय फौजियों के साथ भी बिताया, क्योंकि बहुत सारे सीन जो है वो वाघा बॉर्डर पे भी शूट किए गए, तो आप लोग वहां पे गए। मुझे लगता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो सारा दिन गर्मी में ठंडी में हमारे देश की सीमा पे डटे रहते हैं, जब एकदम से उनके सामने ऐश्वर्या आई होगी तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैं उस शूट पे नहीं था, ओनली शी वॉज देयर एंड दे डिड नॉट मिस मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप उनके बीच गई? हम शायद ही अपने रोज यहाँ पर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, शायद ही पहचानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना मनोरंजन हो। आप करते हैं थ्रू दी शोज एंड थैंक यू वेरी मच, एज लॉन्ग एज इट्स एक्सेसिबल टू देम। कहते हैं इस तरफ और उस तरफ, लेकिन प्यार तो उतना ही था दोनों तरफ। बिल्कुल सच कह रही हूँ। That's superb, man. Superb experience, sir. Same अनुभव रहा मेरा, same to same. मजेदार, एकदम गुस्सा हो जाता है, आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि यार सच्ची में। अब मैं आप सबको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने फिल्म सर्वजीत का निर्देशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर उमंग कुमार को। उमंग भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, फिल्म मैरी कॉम के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए।
उमंग भाई ने पहले फिल्म बनाई थी मैरी कॉम प्रियंका चोपड़ा के साथ, अभी ये फिल्म बनाई है सरबजीत। एक बात बताइए, आपने किसकी कसम खाई है कि आपको सिर्फ मिस वर्ड्स के साथ ही काम करना है? कसम तो नहीं खाई है, लेकिन हो गया। एक्ट्रेस मुझे ऐसी चाहिए थी। अपने अपने ब्रिलियंट आदमी है यार। ऐश्वर्या राय जी ने मुझे अपने कहा। अपने सपने में अपने। ए, अपने डॉक्टर साहब को बांध के रखो। अपने डंडा नहीं मारना, उन्होंने मुझे अपने कहा है। ऐश इस फिल्म में रणदीप की बहन बनी है, फिल्म जोश में शाहरुख खान की बहन बनी थी। उमंग भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी हीरो को, किसी भी एक्टर को ऐश्वर्या का भाई बनने के लिए, मनाने के लिए कितने साल लगते हैं? जल्दी से तो कोई मानता नहीं होगा। नहीं नहीं, इन इन दोनों ने अपना जो किरदार है सिर्फ 15 मिनट में हाँ कर दिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं जैकी भगनानी, आपने हमेशा उन्हें एज एक्टर देखा है, इस बार वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे आए हैं। जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एज ए प्रोड्यूसर सोच में कुछ फर्क आता है? मेरी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे एक्सपीरियंस, मैं भी सीख रहा हूँ। बट जब उमंग सर को मैं 8 साल से जानता हूँ, और जब ये आए थे ऑफिस में और इन्होंने स्टोरी सुनाई थी, मैं इतना भावुक हो गया कि मुझे लगा कि हमें ये फिल्म तो करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल थ्री ऑफ यू ऑल टू मेक मी अ पार्ट ऑफ सरबजीत। ये मेरी ड्रेस है। मेरी ड्रेस। अरे है। मेरी ड्रेस है, मैंने कहा ना मेरी ड्रेस है। मेरी ड्रेस है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ए ए, क्यों लड़ रहे हो? ये मेरी ड्रेस चोरी किया सिद्धू पाजी। ओए, ये मेरी है। तेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुझे रजाई चाहिए। मेरी ड्रेस है। मेरी है। उमंग भाई, ये जो है ना इधर वाली, ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स है, लॉटरी, हम बहुत प्यार करते हैं इसको। आप करते हो? बहुत। और मुझे? इसको भी हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं बम्पर लॉटरी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक नर्स हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आइएगा, मैं बिना हाथ लगाए इंजेक्शन लगा देती हूँ। वो कैसे? वो कैसे? इससे कह देती हूँ ये लगा देती है। उमंग जी, आप बायोपिक बनाते हैं ना? हाँ। तो आप मेरी लाइफ पे फिल्म क्यों नहीं बना लेते? क्या क्या किया अपनी लाइफ में? नहीं, वही तो, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है। तो फिल्म जल्दी भी बन जाएगी और बजट भी नहीं होगा कुछ। एक्चुअली मैं भी नर्स बन बन के बोर हो चुकी है, मैं भी कुछ और बनना चाहती हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक्टिंग आती है आपको? हाँ जी, जरूर। अच्छा, कुछ करके दिखाओ फिर, कुछ ऑडिशन कर लो कुछ। तो मैं हीरोइन हूँ, और मान लीजिए कि ये हीरो हैं, मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए, मान लो। मान लो कि वो नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपकी फिल्म में है ना। तो ये हीरो हैं, ये हीरोइन है। आपकी फिल्म में कोई गाना है ना रोमांटिक जो? सलामत। सलामत, सलामत। तो हम उस पर डांस कर सकते हैं? तुम डांस करोगे? आपको क्या लगता है? इनके साथ क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पर हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कैसे पता चलेगी? आप जरा गाना लगा दीजिए प्लीज। आपने भी अच्छा किया। लग रहा है मेरे को भी। You okay? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा। आपको कुछ मसाज की जरूरत है? मसाज बिना हाथ लगाए करनी पड़ेगी।
But उसमें कोई acting नहीं था। ओ तो हाँ हमें audition देना है हम acting audition दे। Acting करना है। मैं तो कहता हूँ audition देने की बजाय तू जान दे दे। Audition देना है तुझे। इसको ना मैं कभी-कभी hunter की तरह भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुझे पता है तेरी अपनी नहीं ना घोड़े की पूंछ निकाल के लाई ना। चलो हम हमारा garden scene करो। हाँ हाँ। ओहो। ये क्या है? ये मैं garden की bench बनी हूँ ये पेड़ हैं। Wow! ये पेड़ बनी है। I love this पेड़। अरे क्या करे? Come on, हम आपसे शादी करें हमारे छोटे-छोटे पेड़ होंगे, postpaid, prepaid. Why lottery? मेरी सीन खराब मत करो। तुम भी तो पेड़ बनी हो, पेड़ पेड़ के साथ पेड़ के ऊपर कभी कोई फिल्म बनती है? पागल? तो और सीन करके बताओ। College में गोवा वाला सीन करते हैं, हम वो करके दिखाते हैं। Okay? ये क्या है? ये मैं बोट बनी हूँ और ये मछली बनी है। ये लो ना। सर नैया डूबने वाली है अभी। बोट बनी है? नैया डूबने वाली है। हाँ बोट में छेद हो गया और मछली मैं खा जाऊँगा। ये क्या तरीका है? तरीका क्या है? क्या ये डंडा क्यों लेके आए हैं? बोट बनी इतना बड़ा क्रूज और बोल रही मैं बोट हूँ? नहीं ठीक है ठीक है ओके ओके मैं जाती हूँ। अब मैं आपका हाईवे पे इंतजार करूँगी। हाँ मेरे बाय 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 मेरे हाथ में लाल रंग होगा। ओके बाय। अपने अपने आपने मुझे अपने कहा। डॉक्टर साहब जाइए काम हो रहा है इधर। जाइए डॉक्टर साहब। मैं आपको सम्मानित करता हूँ। चलिए दफा हो जाइए यहाँ से। अपने अपने पागल हो गया। रणदीप भाई ऐश्वर्या उमंग भाई यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं आपसे बातें करना चाहते हैं। यस मैम एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी अभी मेरी शादी हुई है। सुना है ऐसे कि 4-5 साल बाद हस्बैंड थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। हस्बैंड बोरिंग हो जाते हैं? इज इट ट्रू ऐश? अभी अभी तक तो नहीं लगा सर पर सोच के डर लगता है इसलिए मैम। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हुआ है। ये आप सवाल इतने जल्दी क्यों पूछ रहे हैं? शादी होके 1 ही साल हुआ है। जस्ट एंजॉय गॉड ब्लेस डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। क्या वो हमारी वजह से पूछ रहे हैं? हमारे कभी कभी 3 साल बाद बंद हो जाते ना। उनको लगा कि पता नहीं के शो में अभी अभी पूछ लो। पर करते क्या आपके हस्बैंड आए हैं साथ में? हाउ आर योर हस्बैंड? ही इज गवर्नमेंट ऑफिसर। भाई साहब आपने बताया नहीं आप क्या 5 साल बाद भी आप इतना ही प्यार करेंगे बीवी को? हाँ बिल्कुल। इतने भरे पड़े हैं? नहीं नहीं अच्छी बात है यार। सर आपकी ड्यूटी कितने से कितने बजे तक होती है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद सीधा घर ही आते ना आप? घर पे ही। तो कुल मिला के आप इतना टाइम देते हैं? ठीक है यार ऐसा मत अभी इतना डराओ मत उनको। नहीं वो दूसरों का सुन सुन करके घबरा रही है बस। वेरी ऑनेस्ट मैन ही विल कंटिन्यू। जी और कोई मेरे दोस्त? हेलो मैम। हेलो सर। हेलो उमंग सर। मेरा क्वेश्चन उमंग सर के लिए है। एक्चुअली मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे नहीं जानते हो। आई एम अ बैंकर एक्चुअली एंड इन माई बैंक योर अकाउंट इज देयर। May I know how much balance? No sir, no sir, no sir, no sir. खुद तो देख लिया होगा? Not at all. No sir, ऐसा नहीं है। देखना चाहता हूँ मैरी कॉम ने कितना कमाया और सेट से आज तक उमंग भाई धंधा कैसा चल रहा है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैमरा के पीछे ना होके कैमरा के आगे होते और स्क्रीन पे एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते? सोचा तो था बचपन में भी वही सोच रहा था। ओके बट यस हाँ डायरेक्शन में आ गए हूँ लेकिन कोई दूसरे डायरेक्टर मेरे को देख ले तो मैं भी आ जाऊंगा एक्टर। सर बस यही क्वेश्चन था। तो वो अकाउंट वाली बात बाद में बता देना मेरे को। लेकिन हाँ हाँ ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी जी मैम। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर से है। रणदीप सर हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े एक एनिमल लवर हैं सर।
And अभी आपने हाल ही में 9 sick horses को और एक stray dog को adopt भी किया है, जिसको आपने नाम दिया है Candy. And sir, मैं भी एक बहुत बड़ी animal lover हूँ sir. And अभी हाल ही में सर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हमने शक्तिमान के बारे में भी सुना है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सर? पहली व्यू तो ये है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था एंड उसको ड्यूटी पे चोट लगी. वो किसने मारी कैसे मारी आई डोंट नो, पर जो हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ. मेरे डॉक्टर डॉक्टर खम्बाटा जो मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे घोड़ों के वेटनरी डॉक्टर okay. उनके वो ही गए थे वहाँ पे और उनका एम था कि उसको ना ही सिर्फ उसको चलाया जाए, उसको दौड़ने को भी मिले. उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई थी पर वो बहुत ही तकलीफ में था एंड ही पास्ड अवे. सो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर द वंस हियर टू लुक आफ्टर देम. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो ये देखो कि आप वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं. सो मुझे ये लगता है कि लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी करनी चाहिए कि उनको लगे कि उनमें भी जान होती है, उनसे प्यार करो, ये बड़े प्यारे होते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. सेम टू यू सर. सेल्फी मोमेंट हम लोग करते हैं सर. कौन सर? आइए मैम. रंजीता जी आप. थैंक यू सो मच. जोरदार ताले हो जाए एक बार. ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? शो बंद हो गया तुम लोग का. क्या हो रहा है ये? मैम ने अपने बोला है इनको सांस नहीं आ रहा. अच्छा इसको इसको आपने पहले ही शौक दे दिया ना अपने बोल के. अभी इसको ऐसे शौक दे दीजिए थोड़ा सा, क्या पता मरी जाए. अपने thank you.
आते रहिए, तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुंबई रहिए, गाजियाबाद रहिए, मिलते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.